अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जो कि वर्ग के साथ खुश आमदीद, मैं हूं आपका दोस्त सईद। दोस्तों अगर आपकी मशीन है टांका सही नहीं लगाती, दाना देती है, अगर आपके दंदाल भी ठीक हैं और एपिनियल प्लेट ठीक है और सुई की टाइमिंग ठीक है, उसके बावजूद भी ये दाना देती है, तो केम की सेटिंग कैसे करनी है आपने, वो केम की वजह होती है, केम की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये केम है इसकी, ये सामने आपको दो राड नज़र आ रहे होंगे, ये इनके दरमियान दो पेच होते हैं, एक ये पेच है ये पेच, दो बड़े पेच होते हैं जो कि दंदालों को आगे पीछे पूरा बैलेंस करने में काम करते हैं। सबसे पहले आपने इसका फोटो उतार लेना है ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। इस स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करें और फोटो को उतार लें आसानी से। अब देखें नीडल सुई को नीचे आपने लेके जाना है, नीचे लेके जाना है सुई को और देखना है कि दंदाल पूरे बैठ रहे हैं कि नहीं। जब सुई की नोक, ये देखें सुई की नोक अंदर जा रही हो और दंदाल भी बैठ गए हों पूरे, और जब इतनी सुई अंदर चली जाए मतलब कि तो दंदाल बाहर नहीं होने चाहिए। आपने इस तरह हाथ लगा के देखना है, दंदाल बाहर नहीं होने चाहिए और इस तरह ये ऐसे वर्क करेंगे। ये देखें ये ऊपर आ गई सुई, दंदाल फुल ऊपर, और जब ये नीचे जा रही है, जब ये सुराख के अंदर चली जाएगी तो सुराख के अंदर ये मामूली से मतलब कि मामूली से ऐसे हाथ लगाएं टच करें तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा बाहर होंगे तो फिर आपकी टाइमिंग ख़राब होगी। वो आपने ये दो पेच हैं इनको ढीला करना है, और अगर आपके दंदाल ऊपर हैं तो इनको ढीला करके आपने व्हील को अपनी तरफ थोड़ा सा इस तरफ घुमाना है और ये नीचे की तरफ चले जाएगी। ये आसान सी टाइमिंग है इसकी, यहाँ से आपने ये दो स्क्रू हैं बस, ये केम के ये राड के दरमियान जो इसका ये केम का हिस्सा है, इसके ऊपर जो दो मेन स्क्रू लगे होते हैं, ये देखें ये दो मेन स्क्रू लगे हुए हैं, इनसे ये टाइमिंग होती है इनकी। आपने आपके ये देखें, ये इसके दंदाल बेहतरीन फिट हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ये बताया कि पहले फिट कर दिए ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ये देखें ये इसके सुई अंदर चली गई है और दंदाल देखें, ये देखें कैमरा बिल्कुल, ये देखें दंदाल नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये ऊपर से तो ऐसे नज़र आएंगी, वो साइड से नज़र नहीं आने चाहिए, मतलब कि ऐसे बिल्कुल बाहर ना हो नीडल प्लेट के। तो ये देखें ये जैसे ही नीडल अंदर सुई के अंदर बैठे और वैसे ही दंदाल बैठ जाए, तो ये जो कि परफेक्ट टाइमिंग है, इससे आपकी जो कि सिलाई मशीन है वो बेहतरीन टांका निकालेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बाज़ दोस्त कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट में गुड लक ही लिख के भेजा करें, कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर भेजा करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो और आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तब के लिए दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, मेरी तरफ से सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।